Hello and welcome back to Inertion. So after first chapter, you guys must be waiting for the second chapter. But as you guys already know, I have told you in my earlier video that CBSE has been revised the syllabus of 2020 because of the current situation, pandemic. So according to that, मैं ये वीडियो आज लेके आई हूँ जिसमें जो जो पोर्शंस रिमूव्ड है हम उसको छोड़कर जो पोर्शन सिर्फ बोर्ड्स में आने वाला है उस पोर्शन पे ध्यान देते हुए सारे पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड जो आपका है पॉलिनोमियल क्लास टेंथ के लिए उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे और आपको पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन पहले दी जाएगी और उसके बाद आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बेस्ड में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी. सो you have to do one thing, just pull out your notebook and pen and just stick to this video till end. Okay, till now you can do, you just need to subscribe my channel and press the bell icon. So I'm starting with the basic concepts of polynomial. First of all, you guys need to know about what is algebraical expression. हिंदी में जिसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक, तो आपको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है. हालांकि ये हम बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, पर फिर भी अगर हम पॉलिनोमियल करने जा रहे हैं तो इस चीज़ को रिवाइज कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स आती हैं जैसे कि वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट. ठीक है, वेरिएबल्स को हम हिंदी में बोलते हैं चर राशि, जबकि कांस्टेंट को बोलते हैं हम अचर राशि. अब ये चर राशि अचर राशि क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं? वेरिएबल वो सभी नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती. ठीक है, वो जो भी मैथमेटिकल सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज तो चेंज होती रहेंगी, वरी करेंगे. दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट वेरिएबल, चर राशि. कॉन्स्टेंट ऑन दी अदर हैंड आर अचर राशि. इट मीन्स उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी. लाइक टू कहीं पे भी हम यूज करें, टू जो है वो टू ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. राइट, तो एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एंड एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट अलॉन्ग विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स. राइट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझे, कि एक तरीके का एक्सप्रेशन होता है जो दो चीजों से मिलके बन रहा है, एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट. वो दोनों आपस में किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही जुड़े हुए हैं. वो दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से जुड़कर ही, ऑपरेटर से जुड़कर ही कोई एक्सप्रेशन बना रहे हैं. जैसे कि वो हो सकता है 2 + x हो सकता है, राइट, 2 × x हो सकता है, राइट. तो ये सारे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी बीजीय व्यंजक होते हैं. ठीक है, अब इन बीजीय व्यंजक में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं जिनको हमें जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो अ टर्म, टर्म को हम बोलते हैं पद, कोई पद. तो अ टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट. अ टर्म कैन बी एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन इन इटसेल्फ, वो खुद में ही एक एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन हो सकता है. टर्म जिसे हम पद बोलते हैं, कोई पद चर और अचर राशि के गुणनफल से बनता है, वो अपने आप में ही एक बीजीय व्यंजक हो सकता है. ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको नोट आउट करनी बहुत जरूरी है. आप शॉर्ट नोट ले सकते हैं और आपको ये वीडियो में मैं आपको सारे यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कराए हैं. आप बार बार इस चीज को देख करके नोट्स बना सकते हैं. ये सिर्फ आपको ना क्लास 9th 10th, इवन आपकी हायर स्टडीज में भी आप मैथ्स को लेके आगे जाते हैं, परस्यू करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं आपके कंसेप्ट्स को क्लियर रखने के लिए. राइट, सो हेयर इज टर्म, पद, वेरिएबल, चर, अचर. राइट, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं हम. 2x विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म 2 एंड वेरिएबल x. तो देखिए 2x, तो दो गुना में x, दोनों आपस में गुना होके ही बन रहा है 2x. इसी तरीके से 4xy, तो इसमें किस किस का गुणन हो रहा है, 4 का गुना x के साथ और फिर उसका गुना y के साथ. तो ये अपने आप में एक एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है. इसी तरीके से 5x square y,
फाइव गुना में एक्स गुना में एक्स गुना में वाई, राइट। तो इस तरीके से हम कोई भी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक्स स्क्वायर का जो के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम बोलते हैं कोफिशियंट। क्या बोलते हैं हम? कोफिशियंट, यानी कि उसका गुणांक, ठीक है। इसी के साथ ये एक एग्जांपल मैंने अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन का आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर एक्स वाई प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, राइट। तो ये अपने आप में एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है, विच इज अ सम ऑफ फोर टर्म्स। ये चार पदों के योग से मिलके बना है। चार पद कौन कौन से हैं? एक पद हो गया आपका माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। एक ये पद हो गया फोर एक्स वाई दूसरा पद, फाइव एक्स तीसरा पद, और एक्स सिक्स चौथा पद। चार पदों के योग से बना। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट फिर आ जाता है हमारा पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल की परिभाषा, अब हमारा यहाँ से मेन कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद, ठीक है, बहुपद। तो बहुपद की परिभाषा सबसे पहले जान लेना जरूरी है। बहुपद की परिभाषा होती है चर अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीज गणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, ठीक है। एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन कैन हैव एक्सपोनेंट दैट आर रैशनल नंबर, हाउएवर अ पॉलीनोमियल इज एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर। सो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, एक पॉलीनोमियल एक तरह का अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन ही तो होता है, जिसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि रैशनल नंबर, एक तो एक्सपोनेंट जो है वो हमेशा एक रैशनल नंबर होना चाहिए और वो होल नंबर होना चाहिए। अब रैशनल नंबर का क्या मतलब है यहाँ पे? कि वो पी वाई क्यू के फॉर्म का होना चाहिए, इरेशनल नहीं हो सकता, यानी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, वो हमेशा एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। और जो हमारा घातांक है, घातांक हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए, लाइक दो तीन, वो एक बटे दो नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। तो हम उसे पॉलीनोमियल कहते हैं। पॉलीनोमियल के कुछ एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दिए हुए हैं, ये देखिए, फाइव एक्स की क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस, तो ये एक तरीके का अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन भी है, लेकिन साथ ही साथ ये एक पॉलीनोमियल भी है, ठीक है। बट लेकिन आप यहाँ देखेंगे 2x प्लस 3x अंडर द रूट x, ये एक अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन तो है, बट इट्स नॉट अ पॉलीनोमियल। क्यों? क्योंकि कंडीशन मैंने बताई थी कि x जो है, x का जो पावर है, देखिए यहाँ पे आपको x की पावर दिख रही है, x जो है अंडर द रूट है, अंडर रूट नहीं हो सकता, ये एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हमारी कंडीशन है कि ये एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको अब क्लियर हो चुका है कि पॉलीनोमियल क्या होते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल की, यानी कि बहुपद की घात। तो फॉर अ पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन अ पॉलीनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, यानी कि किसी भी गिवन पॉलीनोमियल में, किसी भी दिए गए बहुपद में, उन बहुपद में जो पद है, जिस भी पद की जो सबसे बड़ी घात होगी, वही उस पूरे बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज टू, तो इस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात है वो है एक्स स्क्वायर, देयर फोर इस पूरे बहुपद की घात भी हो जाएगी टू। हाईएस्ट पावर क्या है हमारी? एक्स की पावर दो, देयरफॉर इसकी पावर, इस बहुपद की घात भी दो हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पॉलीनोमियल जो है वो दो तरह से, दो टाइप से बेस कर उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या के आधार पर, डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, यानी कि पॉलीनोमियल बहुपद की घात के आधार पर, ठीक है। दो प्रकार से हम पॉलीनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉलीनोमियल जो है पद के आधार पे हम कैसे उसको करते हैं। तो पॉलीनोमियल तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल,
ट्रेनोमियल, राइट। मोनोमियल मीन्स एक पदी, यानी जिसमें सिर्फ एक पद होगा, ये जैसे कि 2x, 6x स्क्वायर, 9xy, ये सभी पॉलिनोमियल भी है और ये एक पदी पॉलिनोमियल है। इसी प्रकार द्विपदी, जिसमें दो पद होंगे, दो पद, -4x² + x, 5x + 4, -x² + 3, तो ये सारे हमारे द्विपदी, ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं ट्रिनोमियल की, यानी त्रिपदी पॉलिनोमियल, जिसमें जिसमें तीन पद होंगे, 1, 2 और 3, राइट। ये हो गया हमारा पद के आधार पर, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। अभी बात करते हैं पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे। तो डिग्री के बेसिस पे यानी घात के आधार पर पॉलिनोमियल तीन प्रकार के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं रैखिक, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी घात 1 हो, जिसकी डिग्री 1 होती है, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि वो पॉलिनोमियल जिसमें बहुपद की घात 2 होती है, यानी उस बहुपद पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आ जाता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे, यानी डिग्री 3 होगी, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके मैंने सब आपको एग्जांपल प्रोवाइड कराए हैं, आप अच्छे से इसकी नोट मेकिंग कर सकते हैं। अभी बात करते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि हम किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट से हमारे पास कोई इक्वेशन है x = y, तो x = y का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, दैट मीन्स हमारे पास कार्टिजन प्लेन में दो एक्सेस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सेस और एक होती है वाई एक्सेस, राइट दोस्तों। एक एक्स एक्सेस और इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सेस, और ये होती है हमारी वाई एक्सेस, ओके फ्रेंड्स। और दिस इज हमारा ओरिजिन, मूल बिंदु जिसको हम कहते हैं। तो सभी डिस्टेंस हम इधर से मेजर करना शुरू करते हैं, इधर पॉजिटिव डिस्टेंस होते हैं, इधर नेगेटिव डिस्टेंस होते हैं, इधर y के पॉजिटिव और इधर y का नेगेटिव। मैंने आपको होल नंबर, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारी चीज़ें अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करी थी विद एग्जांपल, विद नोट्स, कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन, एंड आई हैव सॉल्व विथ यू द एग्जांपल्स आल्सो। सो यू नीड टू डू वन थिंग, कि अगर आपको कोई भी कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को प्लीज़ 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 देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करें, ओके फ्रेंड्स। सो अगर हम यहाँ पे x की ये एक्सिस रिप्रेजेंट करती है x की वैल्यू को और ये एक्सिस रिप्रेजेंट करती है y की वैल्यू को, राइट। तो अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम y किसके बराबर है, x के बराबर है, तो अगर हम x1 लेते हैं तो y भी 1 आएगा, x2 लेते हैं y भी 2 आएगा, इसी तरीके से, क्योंकि दोनों स्ट्रेट। तो इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे, तो अगर हमने x 5 रखा है तो y भी हमारा 5 आएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम x 10 दे रहे हैं तो y भी 10 आएगा, दिस विल बी आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सिमिलरली इफ वी आर टेकिंग x -5, देन y विल ऑल्सो बी -5, सो दिस विल बी आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इन्हीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ज्वाइन करते हो जाएंगे तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन में ये बन जाएगा। तो ये है हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी गिवन इक्वेशन का। अब बात करते हैं कि बहुपद को कैसे हम पॉलिनोमियल का कैसे विजुलाइजेशन करेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे किसी पॉलिनोमियल की। तो अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल जो था x = y इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल, इन दैट केस हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में, राइट फ्रेंड्स। लेकिन अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि द्विघाती बहुपद है, उस केस में हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी। अब देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघाती पॉलिनोमियल है, तो उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की, कुछ बातों की, कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना है। वो क्या बिंदु है, वो बिंदु मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताए हुए हैं। देखिए, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। सबसे पहले तो आप ये याद रख लीजिए कि वो हमेशा एक पैराबोला बनेगा। पैराबोला यानी कि एक कर्व, उसकी एक ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन ना होके एक कर्व आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और कर्व जो होगी वो कुछ
यू शेप की बनेगी, उसको हम पैराबोला कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप अपनी क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो इट विल लुक लाइक यू विच इधर ओपन अपवर्ड या फिर वो डाउनवर्ड, या तो ऊपर की तरह उसका मुंह खुलेगा या नीचे की तरह। ठीक है, उसकी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बता चुकी हूँ मैं, जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बिंदु है याद रखने वाला वो है कि इफ ए इज पॉजिटिव देन पैराबोला ओपन्स। तो आपको अब इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि ऊपर बनेगा या नेगेटिव। अगर आपका ए, ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो आपका पैराबोला ऊपर बनेगा, जबकि अगर वो नेगेटिव है तो आपका पैराबोला का जो मुंह खुलेगा यानी कि यू जो है वो आपका ऑपोजिट यू बन जाएगा। राइट, तो इट कैन कट द एक्स एक्सिस एट 1, 0 और 1 और 2 पॉइंट्स, बिकॉज हायर पावर जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, तो 2 से ज्यादा पॉइंट पे तो वो कट कर ही नहीं सकता। तो या तो वो 0 पॉइंट पे करेगा, 1 पे करेगा या मैक्सिमम 2 पॉइंट पे, अदरवाइज इससे ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे नहीं आ सकते। राइट, तो आप देख लीजिए कुछ इस तरह की शेप होती है हमारे पैराबोला की। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल व्हिच कट्स एक्सेसिव। ए अगर हमारा 0 से बड़ा है तो क्या होगा, तो वो 2 पॉइंट्स पे इसको कट कर सकता है, 2 पॉइंट्स। राइट, ठीक है, इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर वो लेस देन ए है तो हो सकता है कि वो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल व्हिच टचेस एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, अगर वो एक ही पॉइंट पे टच करे। राइट, इसी तरीके से ये था हमारा एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये हमारा 2 पॉइंट पे कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ग्राफ हमारा एक भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स रेज टू पावर एन। तो जनरल फॉर्म मैं आपको हमेशा प्रोवाइड कराती हूँ, और इस वीडियो में भी मैंने आपको जनरल फॉर्म दिया है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम कई बार अपने बेसिक भूल जाते हैं, अगर हम कुछ पर्टिकुलर भूल जाते हैं, तो हमारी जनरल उस चीज को पर्टिकुलर तक पहुंचाने में हमेशा हेल्प करता है। तो जनरल फॉर्म के साथ अपना कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग रखिए, मेरी वीडियोस में आपको ये चीज हमेशा स्ट्रांग करने के लिए इस पे फोकस किया जाएगा, जनरल फॉर्म। तो y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n है, तो उसमें उस केस में आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये याद रखिए कि n जो है वो एक होल नंबर होगा। As n increases, n जब भी इंक्रीज करता जाएगा यानी x की पावर बढ़ती जाएगी, तो ग्राफ जो है वो स्टीपर और ड्रो क्लोजर टू y। ठीक है, वो स्टीपर होता जाएगा और वो क्लोज होता जाएगा y के। अगर n odd आता है, in that case it lies in first and third quadrant, या तो वो first quadrant में आएगा या फिर वो first और third, दोनों first और third quadrant में आएगा। और अगर n even आता है तो वो second, first and second quadrant में आएगा। The graph of x is equals to y is equals to minus x raised to power n is the reflection of graph y is equals to x to power on the x-axis। तो आप ये देख लीजिए, x raised to power y का graph ये देखिए, ये वाला graph आपका जा रहा है x raised to power y का graph। ठीक है friends, okay। फिर बात करते हैं हम next x raised to power 7 का graph, जब हमने देखा तो देखिए कैसे first और third quadrant में आ रहा है odd के केस ऑड के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसलिए जनरल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्यक। तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज किसी पॉलिनोमियल के कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, लेट से हम उस पॉलिनोमियल को, उस बहुपद को पी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के उस वैल्यू पे For which the value of px is o। तो यानी जीरो, उस बहुपद का शून्यक हम उस बिंदु को मानते हैं जिस संख्या पर या जिस अंक पे वो पॉलिनोमियल px भी जीरो हो जाए, उस बिंदु को हम x का शून्यक, x बहुपद का शून्यक यानी पॉलिनोमियल का जीरो मान लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, px मान लेते हैं कि k px का शून्यक है, तो इन दैट केस एक्स की जगह हमको क्या के
के सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो इन दैट केस पी के विल बिकम जीरो, राइट। सो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड यू विल गेट द सोल्यूशन, द आंसर, एंड द आंसर इज जीरो। सो x इज इक्वल्स टू वन इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ये हमारे बहुपद का शून्यक बन जाएगा। प्रोसीजर आपको बता ही चुकी हूँ, आपको x की जगह पे वन सब्स्टिट्यूट कर देना है, सॉल्व कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, बहुपद का शून्य। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसी पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 2.1, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल का क्या मतलब है, ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल आर द पॉइंट वेयर इट ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, यानी कि जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा वही पॉइंट बताएगा कि इस गिवन पॉलिनोमियल के कितने जीरो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ग्राफ में ये लाइन एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है, दैट इज माइनस टू, तो यानी कि इस पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सेकेंड ग्राफ देखेंगे तो दो पॉइंट पे कट करता है, तो दो उसके जीरोज है, यानी दो शून्य के। इसी तरीके से ये तीन पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके तीन शून्य के। ये बहुत ही इजी है चीज को समझना, क्योंकि मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा चुकी हूँ, और इसलिए ये क्वेश्चन आप मिनटों में यानी सेकंड्स में यानी चुटकियां में जाके कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर्स ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोज, कितने जीरोज एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरो होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो होंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन एट मोस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा तीन, उससे कम निकल सकते हैं लेकिन उससे तीन से ज्यादा निकल नहीं सकते, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन कैसे करना है, यानी कि इसके हमें गुणनखंड कैसे करने, यानी क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती बहुपद के हमें गुणनखंड कैसे करने। तो फैक्टराइजेशन आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं यहाँ पे समझा दूंगी, फिर भी अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसके लिए सेपरेटली एक वीडियो लिख के आ जाऊंगी कि फैक्टराइजेशन कैसे करना। तो फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, हमारा पहला तरीका हो गया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म को स्प्लिट करके, ठीक है। मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना है, क्या करना होता है, हमें सबसे पहले a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, a को किससे मल्टीप्लाई करना है, a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो a कितना है, 2, 3, c है हमारा 3, तो 2 3 जा 6। अभी हमें क्या करना है, C के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने पे हमारा, जोड़ने और घटाने पे 5 आ जाए। तो हम देखते हैं कि 3 दुनी 6, 3 टू जा 6, और 3 टू जा 6, राइट, और 6 वन जा 6 ऑल्सो, और 6 में से 1 गया तो 5 आ गया। तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। फिर से सुन लीजिए, हमें क्या करना था, हमें C को A से मल्टीप्लाई करना था और फिर उसके फैक्टर करने थे, उसके अभाज्य गुणनखंड करने थे, और उन्हें इस तरीके से अरेंज करना था कि जोड़ने या घटाने पे माइनस 5 आ जाए। तो 3 दुनी 6 और 6 एकम ऑल्सो 6 और 6 में से 1 गया तो माइनस का 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मिडिल टर्म को हम स्प्रेड करते हैं, यहाँ पूरा प्रोसीजर मैंने आपको लिख के बताया है, ठीक है, आप यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं। माइनस टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा और 3 और 2 5 भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करके फिर हम क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पे इसको कर दिया, इसके बाद हम इसमें से ले लेते हैं कॉमन। तो माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 में से माइनस 2 कॉमन निकाल देंगे, अंदर x और माइनस 1 बचेगा,
फिर यहाँ से माइनस थ्री एक्स और थ्री में से थ्री कॉमन चला गया, तो यहाँ से एक्स और यहाँ से वन बच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम एक्स माइनस वन को कॉमन ले लेंगे, तो टू एक्स माइनस थ्री एक और फैक्टर बन जाएगा, और ये हो गए हमारे फैक्टराइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए फैक्टराइजेशन। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, यानी कि बहुपद के शून्य को और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, ये आपको समझना है। तो शून्यक मैं आपको समझा चुकी हूँ कैसे निकालना है स्प्लिट करके मिडिल टर्म। तो आप देख रहे हैं कि हाँ, अगर हम शून्य को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा और बीटा से, और गुणांक हमारे होते हैं एक्स का स्क्वायर होता है ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए, एक्स का गुणांक होता है बी, और स्थिरांक होता है हमारा सी। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, ये एक संबंध है गुणांक और स्थिरांक के बीच। तो माइनस बी यानी माइनस में अचर पद, अचर पद कौन सा होता है? अचर पद होता है हमारा अचर पद होता है हमारा कौन सा, जो जो फिक्स होती है वैल्यू। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक्स का गुणांक बटे में अचर पद आएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है हमारा ए और एक्स का गुणांक होता है हमारा बी, तो माइनस बी बाय ए फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लेकिन अगर इक्वेशन थ्री तो यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाता है, तो उस केस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू पी बाय ए। ये आपको क्वेश्चन याद रखने, पर ध्यान दीजिए कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपके एक बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। तो ये था कंसेप्ट। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर, एनसीईआरटी के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आपको मैं पहले ही ये अच्छे से बता चुकी हूँ, आपको ये करवा चुकी हूँ कि किस तरीके से हमें ग्राफ को देख के ये बताना है कि उसके कितने शून्य के। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए पी वाई इक्वल्स टू पी एक्स का ग्राफ नीचे अगर हमें दे दिया है, तो हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। अब आप देख लीजिए कि ये ग्राफ एक्स के फॉर्म में है, तो ये जो लाइन है ये एक्स को कितने बिंदु पे टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, काटते हुए जा रही है, उतने ही हमारे शून्य कहेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि क्योंकि दिए गए ग्राफ में रेखा एक्स एक्सिस को नहीं काटती, अतः इस बहुपद के कोई भी शून्य नहीं है, राइट? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जीरो शून्य। इसी तरीके से ये वाली लाइन हम देख रहे हैं कि ये एक्स एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पे काटती है, तो हमारा एक शून्य हो जाएगा, शून्य की संख्या एक हो जाएगी। इसी तरीके से ये वाली लाइन लाइन हम देख रहे हैं एक दो तीन, तीन बिंदु पे काटती है, तो शून्यों की संख्या तीन हो जाएगी। यहाँ पे एक दो, तो शून्यों की संख्या दो हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड आउट, एक दो तीन, तीन बिंदु पे काट रही है तो तीन हो जाएगा। ये फिर से एक दो तीन चार, तो यहाँ पे चार हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.2 की ओर चलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चैप्टर से क्योंकि आपकी 2.3 रिमूव कर दी गई है, डिवीजन एल्गोरिथम आपका हटा दिया गया है, विभाजन प्रमेय आपकी बिल्कुल हटा दी गई है, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 1.2 और 2.1 और 2.2 पूरी तरीके से एग्जाम में उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत सारे पार्ट हैं, मैंने सॉल्यूशन सबके प्रोवाइड कराए हैं, पर मैं सिर्फ आपको दो दो से तीन पार्ट समझाऊंगी, बाकी आपको खुद करने हैं, और आप जब ना कर पाए तब आपको सॉल्यूशन की हेल्प लेनी है, राइट? तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ये हमारा बहुपद है। अब हमें इस बहुपद के क्या करना है, क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं कि शून्य ज्ञात करने हैं। पहली चीज, शून्य को तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता स्थापित की जांच करनी है, यानी वी हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड आल्सो वी हैव टू जस्टिफाई और सेटिस्फाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, राइट? सो वी हैव गिवन दैट पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे,
स्प्लिटिंग बाय स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म यानी मध्य पद को विस्तारित कर कर, ठीक है। तो मैं आपको तरीका बता चुकी हूँ कि माइनस एट को सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि जोड़ने घटाने पे हमारी मिडिल टर्म आ जाए यानी 2x आ जाए। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 8 आएगा और 4 2 जो 8 होता है 4 में से 2 आप माइनस कर देंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से। इसमें से आप देख रहे हैं कि अगर हम पेयरिंग करते हैं, अगर हम इसकी पेयरिंग करते हैं तो ये बन गया एक पेयर, ये बन गया हमारा दूसरा पेयर। इस पेयर से इधर भी x, तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा एक x और यहाँ से बचेगा माइनस फोर, ये बन गया। इसी तरीके से इसमें से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से माइनस फोर बचेगा, राइट। तो ये हमारे बन जाएंगे इसके फैक्टर, यानी कि ये बन गए इसके गुणनखंड। और अब गुणनखंड को सॉल्व करके हम यहाँ पे से इसके शून्यक निकाल लेंगे। तो शून्यक किसके आ जाएंगे, जब x माइनस फोर को जीरो के बराबर रखेंगे तो एक शून्य फोर आएगा, x प्लस टू को जीरो के बराबर रखेंगे तो एक शून्य माइनस टू आएगा। तो इस तरीके से अल्फा और बीटा हमारे, एक अल्फा हो गया फोर, बीटा हो गया माइनस टू। अब इसकी सत्यता की ओर चलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, यानी x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस बी अपॉन ए। आप रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा करेंगे, 4 माइनस 2 करेंगे, माइनस 2 आएगा, राइट। और माइनस 2 वाई 1 आप करेंगे तो आपका माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप गुणनफल निकाल सकते हैं, 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8 बाय 1, राइट। तो इस तरीके से ये सत्यता स्थापित हो जाती है। इसी तरीके से आप दूसरा भी चेक कर सकते हैं। अब इस केस में 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसी तरीके से आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टर आपके आ जाएंगे इसके 1 बाय 2, दोनों समान फैक्टर आए हैं। फिर आप दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 4 बाय माइनस 4 करेंगे वो भी 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 2 तो 1 बाय 4 आएगा, c बाय a करेंगे तो भी 1 बाय 4 आएगा, क्योंकि आप देख लीजिए c 1 है और a 4 है, तो c बाय a करने पे भी 1 बाय 4 आएगा। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन डाउट बन सकता है, एक नया तरीके का क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट। तो इसमें बोला है 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो इस केस में आप कैसे करेंगे। ये भी एक द्विघाती समीकरण है, बहुपद है, बट फर्क इतना है कि इसमें स्थिरांक नहीं है। तो हम u कॉमन निकाल देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इसमें से u कॉमन निकाल देंगे, 4u कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा u प्लस 2। तो एक फैक्टर u इक्वल्स टू 0 और एक फैक्टर हो जाएगा u माइनस 2। और इसी तरीके से हम शून्यकों का योग, दो शून्यक हमारे पास आ गए 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 करेंगे शून्यकों का योग तो माइनस 2 आ गया, माइनस बी बाई ए करेंगे माइनस 8 बाई 4 माइनस 2 आ गया, दोनों बराबर हैं। इसी तरीके से 0 इंटू माइनस 2 करेंगे 0 आएगा, 0 बाई 4 करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट जो है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है बट ईजी है। आपको एलजेब्रिकल सारे फार्मूलाज बेसिक में करा चुकी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो में, फिर भी आपको नहीं समझ आया है तो आप जाके ज़रूर उस वीडियोस को देखिए। इस वीडियो में मैंने आपको एप्लीकेशन भी समझाए थे, सारे फार्मूलाज भी समझाए थे, यहाँ पे उसका यूज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी और मैंने इनिशियल स्टेजेस में वो वीडियो लाने का पर्पज़ मेरा यही रहा, ताकि आप मैथ्स जब भी करें तो आपको कोई भी डाउट ना आए, राइट। तो टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 15 का वर्ग, ठीक है, क्योंकि वर्ग करने पे वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये मेरे पिछले वीडियो में मैंने सारे फार्मूले आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लगा देंगे तो टी प्लस रूट 15, टी माइनस रूट 15, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा, जब t माइनस रूट 15 को 0 के बराबर रखेंगे तो t 15 आ जाएगा, रूट 15, t प्लस रूट 15 को 0 के बराबर रखेंगे t माइनस 15 आ जाएगा। तो रूट 15 और वर्गमूल 15 और माइनस वर्गमूल 15, ये दो हमारे
शून्यक आ गए। अब शून्यक आ गए तो सत्यता हम अच्छे से स्थापित कर सकते हैं क्योंकि हम वो सीख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमें एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है, जिसमें बोले एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमश से दी गई संख्या है। तो आपको याद रखिए, ये जो दिया गया है ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रम से जब बोलते हैं तो इसका मतलब है जो पहली बार बोला गया है वो पहली संख्या होगी, जो दूसरी बार बोला गया है वो दूसरी संख्या होगी। योगफल पहले बोला गया था तो ये पहली जो संख्या है वो योग होगा, गुणनफल दूसरी बार बोला गया तो ये दूसरा, तो ये हो गया सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें दे दिए गए हैं। अब हमें देखना है, हम मान लेते हैं कि जो बहुपद हमें ज्ञात करना है उसका मानक रूप होगा एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमारा काम है ए बी और सी फाइंड करना, राइट। अल्फा और बीटा हमारे शून्यक हैं, तो प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, इसको हम किसके बराबर लिखते हैं, माइनस बी बाय ए के बराबर। अगर हम कंपेयर करते हैं तो यानी ए आ जाएगा हमारा 4 और बी आ जाएगा -1 कंपेयर करके, क्योंकि देखिए 1/4 माइनस बी बाय ए, तो ए हो गया 4। अब यहाँ पे माइनस नहीं है, इसका मतलब माइनस हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए हमने माइनस मल्टीप्लाई करके लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा हमें -1 दिया हुआ है, हम इसको -4/4 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड करने में वो वापस से 1 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए लिखा क्योंकि देखिए ए यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, अगर ए यहाँ 4 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ए यहाँ भी 4 होगा, और यहाँ 4 अगर हमें लिखना है तो हमें ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मैथमेटिकल रूल्स होते हैं। ठीक है, तो ए हमारा आ गया 4, बी आ गया -1, सी आ गया -4। हम वैल्यूज ए बी और सी की वैल्यूज समीकरण 1, ये है हमारा समीकरण 1, ए बी और सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमारा द्विघाती बहुपद आ जाएगा। ठीक है, और इस दिए गए मानों की शर्तों को संतुष्ट करते हुए ये बहुपद का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी। सारे क्वेश्चंस का सलूशन मैंने आपको अपनी इस वीडियो में प्रोवाइड कराया हुआ है, फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड नाउ इट्स योर टर्न टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग से एजुकेशन हमेशा, हमारी नॉलेज हमेशा इंक्रीज करती है। सो thank you so much for giving your time, this is very important because you have to study for getting good marks, for getting a good future, for making a good future of yourself and your family. Just keep studying, keep supporting, keep learning. Thank you so much.